हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे भुवनेश दशोत्तर जी की लिखी कहानी धारणा। ट्रेन पूरी रफ्तार पर थी। सुधीर बाबू अदलेटे होकर खिड़की से सिर टिकाए सुबह की ठंडी बयार का आंखें मूंदे मजा ले रहे थे। अपने पैर हटाइए, मुझे अपना सामान रखना है, उनकी तंद्रा भंग हो गई। सामने एक युवती अटैची लिए खड़ी थी। सॉरी कहते हुए उन्होंने पैर मोड़ लिए। युवती ने अटैची नीचे सरकाई और आराम से सीट पर बैठ गई। उन्होंने कनखियों से उसे देखा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगे। फिर उन्हें लगा कि लड़की का चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है। अब उन्होंने उसे ध्यान से देखा, चेहरा वैसा ही तो है, वैसी ही बड़ी आंखें, गोरा रंग। ओ अंकल जी, क्या तकलीफ है, युवती उन्हें घूरती हुई पूछ रही थी। मतलब बड़े ध्यान से देखे जा रहे हो, मुझे सब समझ आता है, बेवकूफ मत समझो। लड़की की तीखी आवाज सुन कुछ युवा आ गए, उनके चारों ओर घेरा कसा जाने लगा, फिक्रे कसे जाने लगे। इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, से लेकर जो भी कहा जा सकता था कहा जाने लगा। आप सब अपना काम कीजिए, अब वे तल्ख हुए। करेंगे ना, अभी पुलिस को कॉल करते हैं। जरूर करना, अभी मुझे इनसे बात करने दो जिन्हें मुझसे तकलीफ हुई है। याद रखना, हम इनके साथ हैं, कहते हुए वे अपनी सीट की ओर चल दिए। हाँ तो आप कह रही थी कि आपको सब समझ आता है। हाँ आता है, और पूरा समझ आता है कि आप जैसे लोग चाहते हैं कि पहले देखो और फिर सामने वाली मुस्कुरा दे तो दोस्ती बढ़ा लो, यही करते हो ना। हो सकता है लोग करते हों, इसलिए आपने मेरे देखने को भी उसी तरह सोचा। वे समझाने की मुद्रा में आ गए थे। बिल्कुल सही सोचा, युवती के गाल अभी भी तमतमा रहे थे, उसका गुस्सा पूरे उबाल पर था। उन्होंने गहरी सांस ली, नीचे झुके, अटैची निकाली और उसमें से एक तस्वीर निकाली। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ध्यान से क्यों देख रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। उन्होंने तस्वीर युवती की ओर बढ़ा दी। युवती ने अनमनी नज़र उस पर डाली, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस लड़की की तस्वीर का उसके चेहरे से अद्भुत साम्य था। इसका नाम मधुमिता था, मेरी बिटिया थी। कैंसर ने इसके जिंदगी छीन ली। तुम्हें देखकर लगा कि बिटिया सामने बैठी है बस, कहते हुए उनकी आंखें छल छला उठीं। युवती सिर झुकाए बैठी थी, पूर्व धारणा का पश्चाताप उसे भीतर तक खिला रहा था। ट्रेन धीरे होने लगी थी, उनका स्टेशन आ चुका था। वह खिड़की से चिपक कर उन्हें जाते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।